बनारस बना हुआ रस है, यहाँ के हर एक चीज में रस है। यहाँ का खान पान सबसे बेहतर और सबसे अलग किस्म का है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंटों में बनारस के खाने को नहीं समझा जा सकता, जब तक कि आप शहर में ठेले खोमचों पर मौजूद खाने का स्वाद न ले लें। शहर में बड़ी तादाद में छोटे छोटे ठेलों पर बिक रहा खाना अपने आप में लाजवाब होता है। बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के दीवाने हैं। शहर भर में मौजूद ठेलों पर लगी भीड़ अपने आप में ये बता देती है कि इन खानों के शौकीन कितने और कितने दूर दूर तक हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2.5 महीने से बनारस की सड़कों पर मौजूद खाने का यह सिलसिला थम सा गया है। ठेलों पर चल रहे इस व्यवसाय को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तो खाने वाले गायब हो चुके हैं और दूसरे इनको बेचने वालों की आर्थिक हालात भी चरमरा सी गई है। पर अब 2.5 महीने बाद जब आज सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, तो ठेले और इन पर जायकों का संसार एक बार फिर से सड़कों पर दिखने लगा है। भले ही पहले जैसी भीड़ व बिक्री न रह गई हो, लेकिन जिंदगी अपना रास्ता धीरे धीरे तलाश ही लेती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जायके का कारोबार अपनी रफ्तार पकड़ेगा, पुराना बनारस लौटेगा और उसका रस भी एक बार फिर इन ठेलों पर पहली सी भीड़ दिखाई देगा। इन ठेलों पर बिकने वाले भुना बादाम, चूड़ा, लाई, सेव, मकई, मटर इत्यादि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। इस खाने के शौकीन अमीर से अमीर और गरीब से गरीब होते हैं, क्योंकि जेब से हल्के होते हैं, साथ ही साथ यह हर जगह पाए जाते हैं। अगर कोई भूखा रहता है तो इसे भी खाकर अब अपनी भूख मिटा लेता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेगी बात।